नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागिंद्र मिश्रा चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि की राख आपको रातों रात करोड़पति बना देगी। दोस्तों, नवरात्रि में ज्वार का क्या करें, अखंड ज्योति की बाती का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है उसका क्या करें, नवरात्रि में समाप्त होने के बाद जो नवरात्रि में अगरबत्ती की राख होती है भस्म होती है उसका क्या करें, जो आप हवन देते हैं जो राख बचती है उसका क्या करें, तो कब से शुरू हो रहे हैं ये भी बता दें, 2024 में कन्या पूजन कब करें, कितने व्रत पड़ेंगे, हरे भरे जो जव हैं उसका क्या करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। हे माता रानी, जो आपकी वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। जय माता दी। दोस्तों, मुझे यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि नवरात्रि में आप सब बाद में गलती ना कर बैठें, अर्थात नवरात्रि के बाद जो चावल होते हैं, जो जव होते हैं, जो ज्योति की बत्ती होती है, जो राख होती है अगरबत्ती की, यानी जो भस्म होती है, जो हवन देते हैं वो जो राख होती है, जितने भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं उन सब का क्या करें, ये अब आप गलती यानी ना करें, यानी गलत तरीके से नहीं विसर्जित भी नहीं करेंगे। इसके बाद इसके फायदे भी आप लोग जान जाएंगे, इसलिए मैं एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रहा है और मैं आप लोगों को फिर से जानकारी बता रहा हूं। तो वीडियो आप ध्यान से देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि इस सामग्री का क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। देखिए, 2024 में 9 अप्रैल के दिन से यानी कि मंगलवार से नवरात्रि शुरू हो चुका है, पहला व्रत रखा जा रहा है और अंत में यानी कि समापन 17 अप्रैल दिन बुधवार के दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, यानी इस बार 9 दिन की नवरात्रि है। व्रत 17 अप्रैल को सुबह रखा जाएगा, अष्टमी तिथि भी इसी दिन, कन्या पूजन इसी दिन होगा। कन्या पूजन 2 दिन है, 16 अप्रैल अष्टमी है और नवमी है, 17 अप्रैल के दिन इस दिन रामनवमी भी है। तो ये व्रत चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन पड़ रहे हैं, इस बार एक भी कम ना एक भी दिन ज़्यादा, पूरे व्रत 9 दिन के आपको करने हैं। कोई पहला आखिरी व्रत कर सकते हैं, कोई पूरे 9 दिन भी कर सकते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है, सच्चे दिल से ही व्रत रखें। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा, 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से प्रारंभ, जो सुबह 10:16 पर समाप्त होगा। यदि आप किसी कारणवश इस मुहूर्त में पूजा पाठ नहीं कर पाए तो फिर आपके पास समय नहीं है, तो फिर क्या करें, काम काज में आप व्यस्त रहते हैं, घर में बहुत सारे काम हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आपके पास समय नहीं है, तो नवरात्रि में एक और मुहूर्त है, आप उस मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। वह मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो एक अच्छा समय रहेगा, सुबह 11:57 से सुबह 12:48 तक, दोपहर 12:48 तक। इस मुहूर्त में यदि आप पूजा पाठ अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि समय ना होने के कारण आप नवरात्रि का सामान नहीं खरीद पाएंगे, तो आप इस मुहूर्त में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। देखिए, आप में से अधिकतर लोग जो हैं नवरात्रि के बहुत सारे यानी गलती करवाते हैं, ऐसी गलती 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार सामान होता है, अगर यानी कि बच जाए, जैसे जो अगरबत्तियाँ होती हैं, अगरबत्ती की जली हुई जो भस्म होती है, राख होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो देवी सिक्का होता है, ये सब नदी में जाकर विसर्जित कर देते हैं, यही सबसे बड़ी मूर्खता है, गलती है। सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, इसका क्या कारण होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इससे आज आपको जानना है, क्योंकि आज मुझे देवी प्रेरणा मिली है, मुझे गुरु जी के द्वारा प्रेरणा मिली है कि आप ये जानकारी समाज में बताइए, क्योंकि अधिकतर लोगों को नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा पाठ करते हैं, पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। दोस्तों, सबसे पहली बात तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जव भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जव जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। जब जव हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियाँ मनाते हैं
और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त होती है। हरे भरे जव के साथ माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती हैं और घर में सुख शांति की बारिश करती हैं तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जव के अंदर हरियाली नहीं आती, उस घर में पहले से ही पता चलता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है। तो इसलिए जव को आप यानी कि क्या करें, देखिए सबसे पहली बात तो जब जव होता है, हरे भरे जव को अपने धन पेटी में जरूर रखें। जो आप जव बाहर करते हैं सबको बांट दें, तो जव का क्या करें, आप इसे अपने धन पेटी पे जरूर ले जाकर कुछ पत्ते जरूर रखें, इससे माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और जो इसमें 1 रुपये का सिक्का होता है जव में या माता रानी के पास, इस सिक्के को भी आप अपने धन पेटी में जरूर रखें, इसे बाहर ना फेंकें, इस बात का विशेष ध्यान रखेगा, इससे भी माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो सिक्के जो होता है जैसे कि जो जिसमें वैष्णव सिक्का बना रहता है, ऐसे सिक्के जरूर रखें, इससे माता प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना करते समय जो चावल रखे जाते हैं, उस कलश के ऊपर एक नारियल भी रखा जाता है, तो कलश के चावल के कुछ आप दाने जरूर लाल कपड़े में लपेट करके इसे धन पेटी पर रखते हैं, तो धन हमेशा बढ़ता है। आप बाकी चीज़ें आप विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ चावल निकाल लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल को भी आप यानी कि विशेष रूप से आप जल में प्रवाह करने से पहले इसका प्रसाद जरूर सब में वितरण करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो जव की बाती होती है, जव की बाती बहुत ही यानी कि मामूली सी नहीं है, बहुत ही चमत्कारिक है, तो इसकी जो बाती है इसे आप इसमें चाहे तो आप अलग से भी आप धागा बांध करके, जैसे जो मौली धागा है बांध कर आप अपने बाजू बंद में अपने कलाई पर बांध सकते हैं, गले में बांध सकते हैं, तो नजर दोष सुख समृद्धि हमेशा बरसेगी, नजर दोष कभी नहीं लगेगा, टोने टोटके कभी नहीं लगेंगे। और अगर धन पेटी पे अलमारी पे बांधेंगे तो धन पैसा हमेशा बरसेगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि जो राख होती है, जो नवरात्रि में राख होती है यानी जब अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी राख बचती है, या फिर आप जैसे भस्म में यह बचती है, जैसे आप होम देते हैं रोजाना, जो लोग होम देते हैं माता दुर्गा को, उसकी राख होती है, उस राख को क्या करें, अगरबत्ती की राख को क्या करें, 9 दिन तक इसे आप फेंके ना, इस राख को क्या करें, आप संभाल कर रख लें, ये बहुत ही चमत्कारिक राख है, दिव्य राख है, इसमें अनेक गुण छिपे हुए हैं। अगर किसी को तंत्र मंत्र नगर दोष टोने टोटके लगे हैं तो उस व्यक्ति को आप झाड़ने में काम ला सकते हैं, यानी उसके सर से आप 11 बार सर से लेकर पांव तक 11 बार उल्टे बार करके और फिर आप इसे कहीं बाहर फेंक दें, निश्चित ही आपके घर में सुख समृद्धि बरसेगी, नजर दोष नहीं लगेगा। या फिर आप अपने मुख्य दरवाजे पर आप अगरबत्ती या फिर आप इसकी जो राख है यानी जो राख अगरबत्ती की राख होती है, या फिर आप जब हवन देते हैं तो इसकी राख होती है, इस राख को आप अपने घर में नवरात्रि के समय में मुख्य दरवाजे पर आप एक लकीर खींच दें तो बाहर की नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती। या फिर इस राख को आप अपने घर में छिड़काव कर दें गंगा जल के साथ, तो घर में सारी बुरी शक्तियां बाहर चली जाती है और सुख समृद्धि आपके घर में वास करती है। नवरात्रि में माता रानी को जब आप अगरबत्ती जलाते हैं या फिर आप होम देते हैं तो क्या करें, जो राख बचती है तो इस राख को आप एक लाल कपड़े में यानी आप नवमी के दिन इसे आप एक लाल कपड़े में लपेट करके इस राख को अपने धन पेटी पर रख दें, तिजोरी अलमारी पर रख दें, तो इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे, चारों दिशाओं से आपके घर में इनकम आएगी, पैसे आएंगे। तो होली के राख के बहुत ही चमत्कारिक गुण हैं, होली की जो यानी कि जो नवरात्रि की राख है, जी हाँ होली यानी नहीं, आपको नवरात्रि की राख कहना चाहिए, तो जो नवरात्रि यानी कि जो नवरात्रि में अगरबत्ती की जो राख होती है यानी जो राख से आप यानी जो हवन देते हैं तो राख बचती है, इस राख को नवरात्रि में जब राख बचे तो इसे आप लाल कपड़े में लपेट के धन पेटी पे जरूर रख दें, या आप इसे पूजा स्थान पे रख दें। नवरात्रि की जो राख अगरबत्ती की राख है जो भस्म है, इसे नवरात्रि के समय में आप पूजा स्थान पर ही रहने दें तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरसेगी। तो इस उपाय को हमने बता दिया है कि नवरात्रि की जो राख है अगरबत्ती की जो भस्म है इसे आप कैसे प्रयोग करें। अगर रोजाना आप अगरबत्ती की राख जो हो यानी माता जी के सामने अगरबत्ती जलाते हैं और इसकी जो राख होती है भस्म होती है, रोजाना किसी भी काम करने से पहले इसका तिलक माथे पर रोज लगाकर बाहर निकलेंगे तो समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपका वह कार्य पूर्ण होता हुआ चला जाएगा। तो ये कार्य जरूर करें, होली की राख के चमत्कारिक यानी जो फायदे हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो आप क्या करें, उसे थोड़ा सा राख खिला दें, ये जो नवरात्रि में अगरबत्ती की राख भस्म में से थोड़ा थोड़ा खिला दें तो सारी बलाएं दूर हो जाएंगी, संकट सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट में,
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता रानी।